नमस्कार। आप भी घमंड करते हो या आप भी ईगो करते हो? जिस जिसने ईगो किया, जिस जिसने घमंड किया, उसका हमेशा के लिए नाश हो गया, वो हमेशा के लिए पतन हो गया उसका। यह संसार इतने हजारों उदाहरणों से भरा हुआ है कि जिस जिसने घमंड किया, जिस जिसने ईगो किया, उसका जीवन नष्ट हो गया। आज ऐसी ही दो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि घमंड करने से, ईगो करने से क्या होता है। अगर आप भी घमंड करते हो, आप भी ईगो करते हो, तो ये कहानी देख लेना, क्योंकि घमंड, इंसान में जब घमंड आ जाता है ना, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। जीवन में कभी भी घमंड मत करना। महाबली रावण का नाम आपने सुना होगा। रावण में हर तरह की विद्या थी, रावण हर तरह से विद्वान था, रावण की भुजाओं में कितना बल था। रामायण में आपने देखा होगा कि रावण अपनी भुजाओं के दम पर क्या करता, कैलाश पर्वत को उठा लेता है अपनी हथेली पर। देखा है आपने? यह किस कारण करता है? भगवान शिव की भक्ति के कारण वो अपने हथेली पर कैलाश पर्वत उठा लेता है। अब आप देखिए, जो इंसान पर्वत को अपनी हथेली पर उठा सकता है, तो उसके अंदर कितना वजन होगा, वो कितना बाहुबली होगा। लेकिन उसी इंसान, उसी रावण में जब घमंड आता है ना, जब उसके मन में घमंड नहीं था, तब तो वो कैलाश पर्वत उठा लेता है अपनी भुजाओं के दम पर। और जैसे उसमें घमंड आता है ना, जब अंगद दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए रावण के दरबार में जाता है, तब रावण को क्या होता है? तब रावण अपने आप में घमंड में चूर होता है। और जब उस दरबार में अंगद अपना पैर जमाते हैं और चैलेंज करते हैं सबको कि अगर किसी में हिम्मत है तो मेरा यह पैर उठा के बताना, सिर्फ एक पैर की बात कर रहा हूं मैं, रावण के सारे योद्धा फेल हो जाते हैं, खुद रावण भी फेल हो जाता है। एक अंगद का पैर रावण नहीं उठा पाता है। किस कारण से? घमंड के कारण से। जो व्यक्ति हजारों बल अपनी भुजाओं में रखता है और कैलाश पर्वत को उठा सकता है, वो सिर्फ एक इंसान का अंगद का पैर नहीं उठा पाया। किस कारण से? उसमें घमंड हो गया था। ये घमंड था कि मैं इस वानर का पैर नहीं उठा सकता हूं, इसको तो पछाड़ के इतना दूर फेंकूंगा कि ये भी याद करेगा। लेकिन उसी घमंड के कारण उस अंगद का पैर नहीं उठा पाया रावण। फिर आपने महाभारत में दुर्योधन को देखा होगा। दुर्योधन किस वजह से हारा, किस वजह से उसकी जान गई? सिर्फ घमंड की वजह से। पता है दुर्योधन के पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वो गदा विद्या में निपुण था। गदा उसे चलानी अच्छी तरह से आती थी। इसके अलावा दुर्योधन के पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी, ऐसे कोई अस्त्र नहीं थे, ऐसी कोई तपस्या नहीं की थी दुर्योधन ने जो उसको कोई ऐसे शस्त्र मिल जाए या किसी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए। दुर्योधन को पता है घमंड किस लिए था? दुर्योधन को घमंड इसलिए था कि मेरी सेना में सबसे शक्तिशाली योद्धा भरे हुए हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा दुर्योधन की सेना में थे, और इसी बात का दुर्योधन को घमंड था। उसको घमंड था कि पूरे विश्व में मुझे कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा तो मेरी सेना में है। और बस यही घमंड दुर्योधन को ले डूबा। दुर्योधन का राजपाट तो चला ही गया, साथ में उसकी जान भी गई। तो एक बात तो निश्चित है कि जब भी आपने घमंड किया ना, तो आपको असफलता तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपका जीवन भी नष्ट हो सकता है।
जीवन में कभी भी घमंड मत करना। ये घमंड का हस्र आप देख लेना, रावण और दुर्योधन का कैसे हुआ है। सब कुछ होते हुए भी अपने घमंड के कारण अपनी मौत को गले लगाया। इसलिए घमंड से हमेशा दूर रहना, ईगो से हमेशा दूर रहना।